पेनियर बाई में एक नियम लागू कर दिया गया है, रिटेलर वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका एपीएफ चालू होगा। और ये जो पेनियर बाई की तरफ से क्या हर एक कंपनी में ये नियम लगा दिया गया है, क्योंकि ये नियम आपका एनपीसीआई की तरफ से है, जो कि नेशनल पेमेंट कॉपरेटर ऑफ इंडिया की तरफ से इसको लागू कर दिया गया है। और ये हर एक आपको पोर्टल में, एपीएस के पोर्टल में आपको मिलेगा, जो कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम होता है, वो आपको चालू करने के लिए वो आपको रिटेलर वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है, जो कि रिटेलर अपना थंब लगाएगा। इस वीडियो में हम आपको वही आपको हम बताएंगे कि आप अगर प्रीमियर बाई के अगर यूजर्स हैं, आप अगर किसी भी कंपनी से आप अगर हैं, या फिर सीएसपी सेंटर्स वगैरह आप अगर चलाते हैं, तो आपको वेरिफिकेशन जरूर से करेंगे, तभी आपका आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम आपका यानी एपीएस आपका चालू होगा। तो इस वीडियो में हम आपको करके दिखाने वाले हैं कि आखिर आप दे। तो देखिए सिंपली हम चलते हैं अपने मोबाइल पे। देखिए पहले आपको अपने मोबाइल में यहाँ पे आपको चाहे आप मंत्रा या फिर मोर्फो जो भी आप डिवाइस रखे होंगे, पहले आपको वो डिवाइस कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट कर लेने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, जब आपका कनेक्ट होगा डिवाइस तभी आप कर पाएंगे। तो देखिए हम पहले अपना डिवाइस कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पेनियर बाई एप्लीकेशन को जिसे आप ओपन कर लिए, ओपन करने के बाद सिंपली देखिए यहाँ पे आपको एक एपीएस का एक सिस्टम यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक एपीएस दिखाई देगा, तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ प्रोसेसिंग लेगा, वेट लिखेगा, आपको थोड़ा इंतजार करना है। यहाँ पे देखिए सिंपली आपको अपना आधार नंबर डालना होगा, और आधार नंबर वही डालेगा जिसका ये आईडी होगा, यानी किसी अगर हमारे नाम से आईडी है तो हमारा ही अंगूठा लगेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जिस रिटेलर का ये आईडी है उसका आधार नंबर यहाँ पे अपना वो आधार नंबर डाल लेगा। देखिए डालने के बाद सिंपली क्या करना है कि अब देखिए जो भी आपका डिवाइस होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ देखिए आपका डिवाइस आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो यहाँ ले आप सिलेक्ट भी कर पाएंगे। देखिए स्कैन यहाँ पे देखिए नीचे स्कैन लिखा हुआ है, आपको सिंपली स्कैन वाले पे क्लिक कर देना है। तो देखिए स्कैन वाले पे क्लिक करने के बाद देखिए लाइट देखिए जल चुकी है। देखिए हम अपना अंगूठा लगा दिए, जो भी आपका थंब हो कोई भी उंगली का आप थंब लगा सकते हैं, वो बस काम करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए ये देखिए वेरिफिकेशन सक्सेसफुल देखिए हो गया। तो देखिए हो जाने के बाद अब यहाँ पे देखिए आपका ये सब देखिए एपीएस का देखिए जो सिस्टम है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम वो देखिए एक्टिवेट हो चुका है, वो अब आप यूज कर पाएंगे आराम से। जो कि कोई भी कंपनी का अगर रिटेलर है, अगर कोई भी किसी भी कंपनी में अगर काम करता हो तो उसको ये करना बहुत जरूरी है। हो सकता है उसमें कुछ प्रोसेस और तरीका अलग हो, लेकिन सेम प्रोसेस उसको आधार नंबर अपना ही डाल के वेरिफिकेशन उसको करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका एपीएस एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि ये एनपीसीआई की तरफ से लागू कर दिया गया है, तो हर एक कंपनी को ये बात मानना ही होगा। अब देखिए यहाँ पे आप चाहें तो आधार नंबर अपना डालेंगे किसी भी कस्टमर का, आप पैसा वगैरह चेक कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम अपना ही चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये हम अपना आधार नंबर डालिए, यहाँ पे यूज वाले पे क्लिक करके आप सिंपली अब बैंक अपना सिलेक्ट करना, जैसे कि हमारा यूनियन बैंक है तो अपना हम यूनियन बैंक सिलेक्ट करिए। यहाँ पे देखिए जो रिटेलर है उसका मोबाइल नंबर डालना जरूरी है 93। मोबाइल नंबर डालने के बाद देखिए सिंपली देखिए कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले पे क्लिक करने के बाद ये आपसे दो ऑप्शन यहाँ पे देगा, ये बोला है मिनी स्टेटमेंट करना चाहते हैं या फिर यहाँ पे आप बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि मिनी स्टेटमेंट पर प्रीमियर बाई ₹1 कमीशन देता है। गर्मी दोस्तों बहुत ज्यादा हो रही है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर से कीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक टिक यहाँ पे है, इस पे हम एक टिक लगाते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा डिवाइस, यहाँ पर आपका अगर डिवाइस नहीं आता है तो यहाँ देखिए अपना डिवाइस यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट कर पाएंगे। स्कैन वाले पे देखिए हम दोबारा से क्लिक करते हैं, देखिए लाइट जल गई, हम अपना थंब लगा लिए। देखिए थंब लगाने के बाद देखिए सिंपली क्या करना है कि हम थोड़ा यहाँ पे वेट करना है, थोड़ा देखिए यहाँ पे चेकिंग स्टेटस देखिए हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपको जो स्टेटमेंट है वो देखिए फाइनल स्टेटमेंट देखिए दिखा दिया। तो इस प्रकार से आप प्रीमियर बाई में रिटेलर वेरिफिकेशन कर पाएंगे। आपको अगर जो चीज समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों आपको हमारे वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।